दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं इंटक के नवीनबई जिलाध्यक्ष और कांग्रेस के नेता रविंद्र सावंत साहब। आप लंबे समय से कामगारों के लिए काम करते रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं और आज उनके इन्हीं कामकाज को लेकर हम चर्चा करेंगे कि नवीनबई में जो कामगार हैं, चाहे वो किसी भी प्राधिकरण से जुड़े हुए हों, उनकी क्या समस्याएं हैं, कैसे उसके समाधान के लिए इंटक प्रयास कर रही है और किस तरह के पॉलिसी की ज़रूरत है ताकि सभी कामगारों को न्याय मिल सके। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सवाल की शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि आप लंबे समय से इंटक के जिलाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं, क्या स्थितियाँ हैं आपको लग रही हैं नवीनबई में कामगारों की? देखिए, सबसे पहले मैं जब से इंटक का जिलाधीश पद लिया हूँ तब से मैंने नवी मुंबई कॉरपोरेशन में नवी मुंबई के कामगारों को न्याय देने का काम मैंने किया है। नवी मुंबई महापालिका में सबसे पहला मुद्दा था समान काम समान वेतन का, जो ठोक मानदंड के लोगों पे, जो 6-6 महीने के बॉन्ड के ऊपर कॉरपोरेशन में काम कर रहे, एक 8 से 10 साल से काम कर रहे, के बारे में कोई कभी नवी मुंबई कॉरपोरेशन में, महानगर पालिका में आवाज ही कोई उठाया नहीं। अच्छा। वो सबसे पहला इंटक ने आवाज उठाया। अच्छा। आज इंटक संगठन से जुड़ी हमारी महाराष्ट्र कर्मचारी यूनियन है, मैं उसका भी चेयरमैन हूँ, उसका भी प्रेसिडेंट हूँ। आज महाराष्ट्र कर्मचारी यूनियन और इंटक संलग्न, तो दोनों तरफ से हम लोग काम कर रहे हैं। जो ठोक मानदंड के लोग करीबन आप देखोगे कुछ 700 से 800 लोग हैं, तो उनका पीएफ नहीं कट होता था, इंटक के वजह से पीएफ कटना चालू हो गया। उसके बाद हमने मांग की है कि वो 800 लोगों को कोई लोन नहीं दे रहा है। दूसरी बात, उनको सिर्फ 18 से 20 हजार का सैलरी मिल रहा है। आज के डेट में इतनी महंगाई है, उनको लोन नहीं मिल रहा है, बच्चे लोग की पढ़ाई है, बाकी खर्चा है वो नहीं हो रहा है। हमने तो जब मिसाल साहब थे, नाना पटोले जब विधानमंडल के अध्यक्ष थे, तब हमने कहा था, नाना पटोले मीटिंग भी लगाई थी मिसाल साहब को बोल के, इनको सबको परमानेंट करो। विधान भवन में, विधानसभा में 2-3 बार हमने ये सवाल उठाया था हमारे कांग्रेस की तरफ से, ये जो कंत्राटी ठोक मानदंड कामगार है इनके लिए इनको परमानेंट करो। अगर हम हर बात पे आवाज इंटक उठा रही है। दूसरी बात है, आज उनको कोई मेडिक्लेम नहीं है, कोई ईएसआई नहीं मिल रही, और ये बहुत बुरी बात है। कॉरपोरेशन में अगर ये लोग 8-10 साल से सेवा करिए तो उनकी हेल्थ के बारे में उनका मेडिक्लेम या इंश्योरेंस उनको देना चाहिए। हमने अभिजीत बांगर साहब को हमने रिक्वेस्ट की है कि हमने कहा है कि ठहराव ले लो और उनको मेडिक्लेम ईएसआई दे दो। अगर ईएसआई नहीं है तो हॉस्पिटल में अगर कुछ तकलीफ हो रहा है तो कौन देगा? अभी एक स्वच्छता अधिकारी हमारा है और ठोक मानने से 8 साल से काम कर रहा था, वो जब काम से आ रहा था, जॉब से आ रहा था, उनकी क्या है, स्वच्छता अधिकारी बोलेगा तो वहां पे पूरे एरिया में उनको जाना पड़ता मोटरसाइकिल पे। आते वक्त उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, कॉरपोरेशन ने 1 रुपया दिया नहीं उसको। ये बहुत बुरी बात है। हमने बताया बांगर साहब को, सर उसके लिए कुछ प्रोविजन ही नहीं, बोल रहे प्रोविजन ही नहीं, ये एचओडी उनके राजले साहब है वो बोल रहे प्रोविजन नहीं है। दूसरे चाबू साहब बोल रहे वो प्रोविजन नहीं है। अरे वो तो कोई कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू से काम पे नहीं लगे, वो काम से कहाँ से लगे? ये 6-6 जो आदमी लोग को तुमको जरूरत है, आपने 6-6 महीने के करार पे उनको ले लिया है, ले लिया, अभी उसकी जवाबदारी कौन लेगा? बिल्कुल। तो हमने उसको उसकी भरपाई मांगी है, हमने कि उसको भरपाई दे दो। उसके बाद ईएसआई कंपलसरी, ईएसआई या मेडिक्लेम उनको देना ही देना है, उसके लिए हम लोग ये मांग किए। दूसरी बात, समान काम समान वेतन पिंपरी चिंचोड़ में दिया है, कंत्राटी कामगार को दिया है, तो वैसे ही हमने यहाँ पे ठोक मानदंड और जो कंत्राटी कामगार दोनों को हमने मांगा है। जब हमने आवाज उठाई तब समिति गठन हुई। मैं इंटक संगठना, डोले मैडम अध्यक्ष है, इंटक संगठना ने ठोक मानदंड के ऊपर आवाज उठाया, ठोक मानदंड के कर्मचारियों को न्याय दे दो करके इंटक संगठना ने आवाज उठाया। उसके बाद कंत्राटी कामगार को जो कायदे से उनका धोरण है वो हिसाब से उनको पगार बढ़ाई जाए, उसके बारे में आवाज उठाया। हर छोटे छोटे मुद्दे पे हम लोग फाइट, इंटक संगठना फाइट करे। हमने नवी मुंबई में जब से इंटक संगठना और हमारे जो 1200 कर्मचारी हमारे मेंबर हुए महाराष्ट्र कर्मचारी यूनियन के, तब से हमने यहाँ के प्रमोशंस जो फोर्थ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है उनके प्रमोशन के बारे में हमने आवाज़ उठाया। इतने सालों से आश्वासित नहीं लागू हो रही थी, हमने इंजीनियरिंग सेक्शन की आश्वासित लागू की। हमने हर कर्मचारी अधिकारियों के पीछे इंटक संगठन है, हर मुद्दे पे हम लोग
लड़ाई कर लड़ लेते। क्या जैसे आपने खुद कहा कि आप इतना गंभीरता से काम कर रहे हैं, तो किस तरह से जो कामगार हैं वो कितने संतुष्ट होते हैं जब उनको न्याय मिल रहा है 7-8 साल से, तमाम लोग उसके पीछे भी पहले भी चुनावों में मुद्दा रहा है कि कामगारों को परमानेंट किया जाएगा, समान काम समान वेतन दिया जाएगा, तो ये कुछ हुआ नहीं क्या था पहले, इसके पहले किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया? देखिए आप कामगारों से पूछिए, जब से इंटक आई है तब माहौल कैसा नवी मुंबई में हुआ है। आप नाका कामगार हो, अधिकारी हो या प्राइवेट सेक्टर का कामगार हो, हमारा ऑफिस कंटिन्यू चालू हो रहते हैं। ऑफिस में मैं बैठता हूँ, हमारा स्टाफ है, हमारे एडवाइजर वकील है, हमारे चौरे साहब है, रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर है और लेबर कमिश्नर है, रिटायर्ड लेबर कमिश्नर हमारे पास है। हर मुद्दे एसबीआई बैंक के करीबन 800 कंत्राटी कामगार जो हाउसकीपिंग में काम करे, वो 800 कामगार हमसे जुड़े हुए, बैंक ऑफ इंडिया के कामगार हमसे जुड़े हुए, हर प्राइवेट सेक्टर के कामगार हमसे जुड़े हुए। हमने कल ही जो नवी मुंबई में सबसे बड़ा तकलीफ है पीएफ का आप ये पीएफ का सेंट्रल ऑफिस अपना वाशी में जैसे आप 6th फ्लोर पे जाते हो, जैसे ट्रेन में चढ़ते हैं ना हम लोग सर, ट्रेन में से चढ़ते वैसे उतरने के टाइम वैसी भीड़ होती है। आप खुद एक बार विजिट कीजिए वहाँ पे, इतनी भीड़ है ना सर, वहाँ से कोरोना फैल भी सकता है। अगर आई ना बाहर से अगर कोरोना आया तो वहाँ से पहला भीड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे लोगों को सांस लेने के लिए जगह नहीं हो फ्लोर पे वो, और वहाँ पे कामगार जाता है अरे मेरा पीएफ का क्या हुआ, तो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड बोलता है नहीं हमें मालूम नहीं ऑनलाइन करो। अरे वो बेचारा कामगार झाड़ू सफाई करने वाला कामगार वो माथाड़ी कामगार, उसको क्या ऑनलाइन मालूम है, वो वहाँ पे जाके परेशान हो जाता है। 4-4 महीने से 5-5 महीने से वहाँ पे केसेस पेंडिंग है, मृत्यु जिसका देहांत हो गया उसकी पत्नी उसके बेटे वहाँ पे लाइन लगा के वहाँ पे टोकन लगा के पूरे दिन गुजार रहे। पीएफ ऑफिसर कुछ नहीं कर रहे, वो बोल रहे नहीं टोकन ले लो अकल आ जाओ, यही काम। कल हमने उनको निवेदन दिया अगर यहाँ पे सुधारना नहीं हुई, भीड़ कम नहीं हुई, तो हम यहाँ पे ठिया आंदोलन करेंगे। हम लोग यहाँ पे 8-10 दिन में पीएफ ऑफिस के बाहर, जो पीएफ ऑफिस के अंदर नहीं, जो उनकी जगह नहीं, वहाँ पे हम लोग नोटिस बोर्ड लगाने वाले इंटेक की तरफ से। जिसकी शिकायत है वो ये सूचना पेटी में डाल दीजिए, हम उसके लिए हम लोग इंटेक संगठन झगड़ा करेंगे। MIDC हमारे जो नई मुंबई में अगर देखा तो एशिया के सबसे बड़ी MIDC है, यहाँ पर इतने सारे कामगार, लाखों कामगार काम करते हैं। वहाँ की समस्याएं किस तरह की हैं कामगारों की, और किस तरह से उसके समाधान के लिए इंटक प्रयास कर रही है? 2 साल हुआ कोविड में सब कामगारों को काम नहीं था, फैक्ट्री बंद थी। हमने मेरे ऑफिस में दिन में 5,000 लोगों में खाना खिलाता था, दिन में 2 टाइम खाना खिलाता था, जो भी आता था उनको खाना खिलाता था, हमारे संगठन की तरफ से, हमारे पार्टी की तरफ से, जो भी वहाँ पे ऑटो वाले रिक्शा वाले हो, हमाल हो, मजदूर हो, जो भी है सबको हम लोग खिचड़ी भात, हम लोग जो दाल चावल जो खिचड़ी वो बना के देते थे। वहाँ पे लोकल लोग भी, रेसिडेंशियल भी लोग लेते थे। क्या है 2 साल उनको काम ही नहीं था, अभी कहाँ पे चालू हुआ। उसके पहले हमने जब आर्केमा केमिकल्स करके यहाँ पे एक स्ट्राइक हुआ था, तो आर्केमा केमिकल में स्ट्राइक जब हुआ था कंपनी को और वो यूनियन और कामगारों को बैठ के, हमारे महेंद्रगढ़ साहब की यूनियन थी, रायगढ़ के महेंद्रगढ़ साहब, हमने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है और इंटक के हमारे नेता है, उनकी यूनियन थी, हमने वहाँ पे बिठा के सुलझा करके सुलह किया और उनको काम पे वापस लिया। कोर्ट में मैटर था, हमने वहाँ पे कंपनी के डायरेक्टर को समझाया कि लड़ाई झगड़े से या कोर्ट कचहरी से कुछ मिलने वाले, दोनों का पैसा जाने वाला है। तो हमने उनको यही कहा कि आप उनको काम पे लीजिए, उनकी भी रोजी रोटी चलने दो। और कंपनी के जो आर्केमा के जो डायरेक्टर है उन्होंने हमारी बात मानी, हमें आंदोलन का इशारा दिया था। जब इंटक इतनी प्रभावी नवी मुंबई में, उनको मालूम है यहाँ पे आंदोलन अगर होगा तो ये कंपनी तकलीफ में आएगी, इसके लिए कंपनी ने एक पाव पीछे लेके उनको सबको काम पे ज्वाइन कर लिया। ये बहुत बड़ा हमारा रिजल्ट है। हम लोग सोचते हैं कि वर्कर लोगों को कुछ तकलीफ ना हुए, वर्कर लोगों का इंटक की तरफ से 100% विश्वास से काम होना चाहिए। एक चीज जो सामने देखने के लिए मिलती है कि आज भी इतने साल आजादी को हो गए, इसके बावजूद भी जो श्रमिक हैं उनके साथ हमेशा आंदोलन की नौबत आती है, वही लड़ाइयां चल रही हैं कामगारों और कंपनी के बीच में, तमाम जो तकरार है चल रही है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं, क्या वजह लगती है आपको कि क्या कानून है लेकिन कानून का सही पालन नहीं हो रहा है, क्या इसके पीछे बड़ा कारण है? देखिए मोदी सरकार ने सेंट्रल से इतने कायदे में बदल किया है, कामगारों का पूरा शोषण होने वाला है। आज कामगार कायदा पूरा खत्म होते जा रहा है। ये एक संगठन करके हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, बस 100 के ऊपर अगर यहाँ पे कामगार होगा यूनियन नहीं बना सकते। अरे ये तो हमारा हक है,
बाबा साहब ने जो सिद्धांत दिए है, बाबा साहब की जो घटना है, घटने से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, मगर ये तो इनकी मनमानी कारोबार मोदी सरकार ने की है। ये मोदी सरकार पूरी लुटोरी सरकार है। हमने देखा है कि कामगारों के हित के बारे में कुछ उनको कामगारों की परवाह ही नहीं है। क्या क्या लगता है कि क्या कारपोरेट कंपनियों को बढ़ाने के चक्कर में श्रमिक कानून में बदलाव हो रहा है या मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, जबकि सरकार तो मोदी सरकार तो कहती है कि हम मजदूरों और कामगारों के साथ हैं। ये सब उन्होंने देखिए ना, जो प्राइवेट सेक्टर ने पूरा अदानी अंबानी को दे दिया है, ये MTNL, आज सोचिए देश में नंबर वन BSNL MTNL थी, आज MTNL के कामगारों की हालत जाके पूछिए, आज MTNL का जो आज आपके आपके समझो पूर्वजों को पूछिए, घर घर में आज सबसे पहला पोस्ट और MTNL, ये सबके घर घर में तार जुड़ी थी। आज वहां पे कामगार उनकी हालत क्या है देखिए, MTNL की ये इन्होंने अदानी अंबानी को दे के पूरा MTNL को बेच दिया रिलायंस को, इसके बाद उनकी हालत देखिए क्या है। आज जो कामगार जो प्राइवेट सेक्टर में आज लाखों रुपया कमाता था, काम करके मजदूरी करके पगार मिलता था, उनको कंपनी की तरफ से जो भी बेनिफिट मिलता था वो नहीं मिल दे पा रही है। आज मालिक है, कंपनी को मालिक है, निकाल लेते कामगारों को, उनके बारे में कुछ है ही नहीं, कोई लड़ने वाला नहीं है, उनके पीछे इंटक संगठन है। परफॉर्मेंस नहीं रह गया तो शायद इसलिए सरकार ने ये खत्म ही कर दिया ना सर। आज MTNL के ऊपर विश्वास किसका है, आप देखिए ना MTNL के विश्वास किसका है, आज इतना पोस्ट आज पोस्ट ऑफिस इतना जोर से लोग कितने दिनों साइकिल पे काम कर रहे थे, उनको बढ़ावा देना चाहिए, कहां पे बढ़ावा दे रहे, ये सिर्फ बोलने वाली तोते वाली सरकार है। तोते जैसा तोता बोलता है ना, ये कार्ड निकालो वो कार्ड निकालो, वैसे ये मोदी सरकार है, बाकी कुछ नहीं है। क्या लगता है आपको सरकारी जो पॉलिसी है उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? ये हर दो महीने के बाद इंटक रस्ते पे ऑल इंडिया लेवल में हर दो महीने में इंटक रस्ते पे उतर के आंदोलन करती है। 27-28 को भी इंटक का इस बारे में ही आंदोलन है, बैंकों के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। अभी मोदी सरकार के मोदी कभी आंख खुलेगी मुझे मालूम पता नहीं, पर हम लोग का आंदोलन तो जारी रहेगा। ये कायदा कानून के जो इन्होंने कायदे बनाए, लेबर कायदे नए नए बनाए, वो कैंसिल करने के लिए इंटक संगठन बार बार लड़ाई कर रही है। क्या है समस्या, कौन है जिम्मेदार? नगर सेवक, अधिकारी या सरकार? वार्ड परिक्रमा में खुलेगा भ्रष्टाचार का राज, जब बुलंद होगी आम जनता की आवाज। नगर सेवक को तो कभी नहीं देखा, नगर सेवक का भी काम है कि वो यहाँ के नगर में देखे, डेवलपमेंट तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। हम बहुत प्यारे, वार्ड परिक्रमा खोल खोल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा और बहुत जल्द मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं गीत गजल और कविताओं का एक अनूठा कार्यक्रम जिसका नाम है वाह जी वाह। यदि आपकी लेखनी में है दम तो TVR इंडिया पर आपको दिखाएंगे हम, तो फिर देर किस बात की, आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम और अपने साहित्य को दीजिए एक नया मुकाम। नवोदित शायरों और कवियों का अपना मंच वाह जी वाह। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। आप कांग्रेस के स्थानीय नेता भी हैं और कांग्रेस की स्थिति अगर मुंबई में देखें तो राज्य में सत्तारूढ़ होने के बावजूद भी कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ उभर नहीं पा रही है, किस तरह से इसे बढ़ाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? सर देखिए, मैं प्रवक्ता था, मैं इंटक का अध्यक्ष हूँ, कामगारों के क्षेत्र से जुड़ा हूँ मैं। मैं निरुल ब्लॉक कांग्रेस का भी अध्यक्ष हूँ। मैं वार्ड अध्यक्ष से लेके अब तक मैं निरुल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, नवी मुंबई यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष था, मैं कांग्रेस से पहले से काम करते आ रहा हूँ। आप अगर देखें तो हमारा निरुल में हमारा ऑफिस जो है, जो लोगों के बीच में ऑफिस है, आप कभी आए तो देखिए भीड़ कितनी होती है। हम लोग वहाँ पे जो भी मतदार है वो घरेलू कामगार हो, रिक्शा कामगार हो, नाका कामगार हो, वहाँ के कोई भी हमारे यहाँ पे BST के वर्कर ज्यादा है, वो सर्वसामान्य क्षेत्र के लोग भी वहाँ पे आए तभी हम उनके काम करते हैं। हमारा ऑफिस कंटिन्यू चालू है, लोगों से जुड़े हुए, हम अभी भी जुड़े हुए हैं, लोगों को हर सुविधा देने का काम हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। हमारा यही ध्येय है कि कांग्रेस पार्टी घर घर में पहुंचे, लोगों को कुछ ना समस्या, जो भी समस्या हो, अगर कांग्रेस ऑफिस में हमारे कार्यालय में आते हैं तो हम वो छुड़ाने का काम हम तुरंत कर देते हैं। नहीं लेकिन आप तो चलो नेरुल में आप कर रहे हैं, लेकिन आपके जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, चाहे वो संतोष सेठी को देख लीजिए, रमाकांत मात्रे को देख लीजिए, आपके जो जिलाध्यक्ष हैं, आपका इतना बड़ा पार्टी का कार्यालय है,
वहां तो लोग नहीं जाते, लोगों का जो जो एक नारा था कांग्रेस का, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। ठीक है, जिलाध्यक्ष भी हमारे काम कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष भी हमारे काम कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष भी कांग्रेस ऑफिस में रहते हैं, जिलाध्यक्ष पूरे न्यू बॉम्बे के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। आज बीजेपी सरकार ने ही माहौल ही ऐसा कांग्रेस के खिलाफ किया है, तो कांग्रेस माहौल की वजह से लोग ऐसे बेचैन हो गए। मैं नेरुल तालुका अध्यक्ष हूँ, नेरुल में हमारी एक नगर सेविका मीराताई पाटिल है, वो अच्छी काम कर रही है। संतोष शेट्टी जी है, उनका पहले से जनसंपर्क कार्यालय है, वो भी अच्छे काम करे। रमाकांत मात्रे साहब आयरली विधानसभा में आते और उनके बारे में बोलने के लिए मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ कि वो खुद उपमहापौर हो गए, उनके घर में उपमहापौर है, तो वो तो उनका क्षेत्र ही अलग है। आप मुझे नेहरुल के बारे में बोलेंगे तो हमारे अन्ना जी हमें सहयोग करते, संतोष शेट्टी लोगों से जुड़े हुए, सबसे पहले पुराने लीडर संतोष शेट्टी है, कौशिक साहब है, कौशिक साहब का हमें हर बार सहयोग रहता है। हमें कुछ भी तकलीफ हुआ तो कौशिक साहब को हम कॉल करते, कौशिक साहब हमारे साथ में आके कारपोरेशन हो या कोई भी शासकीय दालन हो वहां पे मेरे साथ में कौशिक साहब हो, संतोष शेट्टी साहब हो, मीरा पाटिल हो, और आप पूरे वो हमें सहयोग कर दे, लोगों का समस्या हल करने के लिए हम लोग पूरे एक साथ में काम करते हैं। नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में ऑलरेडी महा विकास आघाड़ी जो है साथ में लड़ने की तैयारी चल रही है, हालांकि आपके जो प्रदेशाध्यक्ष उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने दम पर अपनी ताकत देखना चाहती है, चुनाव में उतरना चाहती है। आपको क्या लगता है अगर कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़े तो कितनी उसकी छवि बनेगी और कितनी ताकत के साथ उभर सकती है, कितने नगर सेवक आ सकते हैं? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष का पार्टी का निर्णय है, अलग लड़ना है या महाविकास आघाड़ी के साथ में लड़ना। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है तो महाविकास आघाड़ी के साथ में हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी का धोरण जो है वो धोरण के हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं तो ब्लॉक के लेवल में बात कर सकता हूँ, अगर महाविकास आघाड़ी होवे तो भी हम लोग पार्टी के साथ काम करने वाले हैं, कोई बंडखोरी होने वाली नहीं है। अगर ना भी होवे तो भी पार्टी नवी मुंबई में सक्षम है, जिलाध्यक्ष कौशिक साहब सक्षम है, संतोष शेट्टी साहब बेलापुर विधानसभा में सक्षम है, पूरी तैयारी से हम लोग अगर पार्टी ने आदेश दिया कि एकला चलो लड़ेंगे, अगर पार्टी ने कहा कि आप आगाड़ी में लड़ना है तो पार्टी का आदेश में आगाड़ी में लड़ेंगे। नेरुल में जिस ब्लॉक को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रभाग को, उसमें क्या जो आपने काम किया है उसे जनता का कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है और क्या क्या आपने अपने स्तर पर क्या क्या वहां पर डेवलपमेंट को लेकर काम किया, अपने जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर काम किया, क्या है कुछ आप गिनाना चाहेंगे? देखिए, जब से हमारा अभी कम से कम 12 से 14 साल तक हुआ कि नेरुल में हमारा कांग्रेस पार्टी का ऑफिस है, पहला छोटा था अब बड़ा हुआ है। हमने नेरुल में बहुत से समस्या नेरुल में समस्या छुड़ाने का काम हमने किया है। नेरुल में बहुत बड़ा ईस्टबी प्लांट एक सेक्टर 2 में बहुत पुराना था, मेरा बचपना सेक्टर 2 में गया तो वहाँ पे एक प्लांट था, इसका शिव ईस्टबी का प्लांट था, वो हम लोग हटाने के लिए बहुत सालों से मांग कर रहे थे। वो जब डगावकर साहब सिटी इंजीनियर थे तो वहाँ पे डगावकर साहब ने वहाँ पे एक प्रस्ताव डालने के लिए डाला था कि ये जो यहाँ पे ईस्टबी उठा है वहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब बने, तो हमने कम से कम करीबन 7-8 साल से उसके पीछे थे। देखिए, टाइम लग जाता है कि मैंग्रोव आ गया, मैंग्रोव की एनओसी आई, फिर वो ड्रेन लाइन जाना है, वो समुद्र का खाड़ी का पानी यहाँ से आ रहा था उसका लाइन, वो शिफ्ट करने के लिए बहुत तकलीफ हुई। सबके अलग अलग परमिशन थे, परमिशन निकालने में 3-4 साल गया, उसके बाद काम चालू हुआ। अभी वहाँ पे अच्छा से क्रीड़ा संकुल बनेगा, कुछ 2 साल पहला कॉर्पोरेशन में ठराव भी पास हुआ है कि बाबा यहाँ पे महासभा में ठराव भी पास हुआ है, यहाँ पे क्रीड़ा संकुल बहुत बड़ा क्रीड़ा संकुल बने, अच्छी जगह है, वहाँ पे हम लोगों को वहाँ पे क्रीड़ा संकुल देंगे। बहुत से हमने यहाँ पे जितना सुधारना हुआ लोगों का सुधारने का काम हमने किया है। वहाँ पे हमने ई श्रम कार्ड किया है, आधार कार्ड का हमारा प्रोग्राम होता है, अभी कोविड में वैक्सीन का हमने काम किया है। जो जो लोगों की सेवा के लिए कार्यक्रम होता है वो हमारा कार्यालय में 100% लोगों को काम करके मिल जाता है। महिलाओं के लिए भी आपने कुछ सेंटर्स खोले हुए हैं, क्या सेंटर्स हैं जिसके जरिए लोगों को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं आप? देखिए, लॉकडाउन में लोगों की बहुत हालत खराब थी तो हमने वहाँ पे बेसिक क्लासेस चालू किए। हमारे यहाँ पे एक विद्याताई भांडेकर करके महिला कार्यकर्ता है, बहुत एक्टिव है, और हम लोग मैं खुद चाहता हूँ कि इलेक्शन अगर लड़े, महिला लड़े, तो उनको टिकट दे पार्टी। और हमने पार्टी को सिफारिश भी की है कि सब जन क्या कर रहे हैं कि हमारे घर में मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, हम वो नहीं चाहते। मैं राजनीति में हूँ, मैं यहाँ का लीडर हूँ,
तो मेरे अंडर में अगर कोई महिला एक्टिव अगर काम कर रही है, कभी कार्यकर्ता काम है, तो उसको पहला प्राधान्य देना चाहिए। तो मैं वो सोचता हूँ कि अगर टिकट मिले तो मैंने प्रदेश अध्यक्ष को भी बोला और जिलाध्यक्ष को बोला, अगर महिला वार्ड आ रहा है या आगाड़ी हो कुछ भी हो तो मैं पहली टिकट महिला हो गई तो महिलाओं की टिकट में पहला नंबर इनका विद्याधाई करेगा। पूरा दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करिए कि आज के डेट में कोई महिला कार्यकर्ता आगे आके लड़ाई करके लोगों के लिए झगड़ने वाली कोई नहीं है। ये हमारा नसीब अच्छा है कि हमारे पार्टी का नसीब अच्छा है, विद्याधाई की जैसी एक काम करने वाली महिला एक्टिव पढ़ाई लेके पढ़ी लिखी हुशियार महिला जो लोगों को टाइम दे सकती, ऐसी महिला हमें पार्टी को मिली है। उन्होंने बेसिक प्रोग्राम, मेहंदी प्रोग्राम हो, कुकिंग क्लासेस हो, जो पापड़ बनाना, जो भी ट्रेनिंग है ना, हमने कोविड में अभी भी जो भी ट्रेनिंग हमने महिलाओं को दी है। अच्छा। लोगों को हम लोग सोचते हैं कि बचत गट हो या महिला आत्मनिर्भर बने, महिला खुद के पाव पे के ऊपर खड़े रहे, हम हर महीने में कुछ ना कुछ प्रोग्राम हमारे ऑफिस में कार्यालय में करते रहते हैं। महिलाओं को जो जो योजना, कॉर्पोरेशन की योजना नहीं मालूम, हमने कॉर्पोरेशन की योजना हम ला के देते हैं, ऑनलाइन हम लोग हमारा ऑफिस है, ऑफिस से ऑनलाइन कुछ एप्लीकेशन भर देते हैं। लोगों को जो जो सुविधा जो नहीं मिल रही वो हम लोग देने की कोशिश करते हैं। क्या मुद्दे हैं आपको लगता है कि उनको सुलझाना जरूरी है आपके प्रभाग में, और उसके लिए आप आगे आने वाले समय में गंभीरता से पहल करेंगे? देखिए, हमारा एक ही है कि बेरोजगार को रोजगार देना, ये पहला प्रभाग में काम है। हमने बहुत से लोगों को रोजगार दिया है। आज के डेट में कामगार नेता होने के कारण मैं लोगों से जुड़ा हूँ और जो जो कंपनी में जाता हूँ, तो मेरे यहाँ की जो बेरोजगारी है, हम पहले बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं। और जो भी हमारे यहाँ पे, मैं खुद कोई शराबी नहीं, गुंडा नहीं, और मुझे कोई व्यसन नहीं है, तो मैं जो भी आता है लोगों को यही कहता हूँ, भाई तू पढ़ाई लगाई करो, टाइपिंग करो, जो भी है आपको जो तुम्हारे हिसाब से कैटेगरी से नौकरी मिलेगी वो आपको नौकरी देने की हम लोग दिलाएंगे, हम लोग कोशिश करते हैं। वैसे ही अभी कॉर्पोरेशन में, सबसे कॉर्पोरेशन में हो, कंत्राटी कामगार में हो, जो भी है, क्लेरिकल में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, MIDC में हम जाते हैं खुद, हर महीने में दो तीन बार हम हर फैक्ट्री में जाते हैं, MIDC में जाते हैं, हम उनको कंपनी में जाके बोलते हैं, भाई आपके यहाँ पे वैकेंसी हो तो हमारे स्थानीय लोगों को पहला प्राधान्य दीजिए, पहला प्राधान्य दीजिए। जो भी पढ़ा लेगा, IT पार्क हो, हम जाके स्टेशन में ऑफिसेस है, सब ऑफिस में इंटक का लेटर लेके हम लोग देते हैं, जो स्थानीय को पहला दिए। दूसरी बात है, महिला सक्षमीकरण कैसा हो कि महिलाओं को खुद का रोजगार कुछ मिले, घर में कुछ व्यवसाय दे, उसके बारे में हम लोग ज्यादा कोशिश करें कि घर बैठे बैठे महिला कुछ ना कुछ कमाए और अपना घर संसार चलाए। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे आप नवीन बेकारों से, और खासकर कामगारों से जो अभी तक इंटक से नहीं जुड़े हैं? मैं कामगारों को यही कहूंगा, इंटक संगठन ये इतना स्ट्रांग है और मैं उसका चेयरमैन हूँ, अध्यक्ष हूँ, तो मैं दिन रात कामगारों के बारे के हित के बारे में सोचता हूँ। कोई भी नई मुंबई में कामगार की समस्या हो, PF ऑफिस हो, कॉरपोरेशन हो, या कोई भी सेक्टर में काम करने वाले कामगारों के बगैर अन्याय हो रहा है न्यू बॉम्बे में, तो उसके लिए और उसके पीछे, वो कामगार के पीछे रविंद्र सावन तन मन धन से खड़ा होगा। उसको वकील की जरूरत पड़ी, वकील देंगे हम लोग, हमारे संगठन देगी। अगर कुछ लड़ाई झगड़े का टाइम भी आ गया, ये रविंद्र सावंत आगे रहेगा, मगर उसको न्याय देके ही सांस लेगा। हमारा एक ही है कि जो ठोक मानदंड में कामगारों के इधर नई मुंबई में जो ठोक मानदंड में काम कर रहे हैं, उनके बारे में हम पाटिल जी को परसों भी बोल के आए, निवेदन भी दिया कि उनको कम से एक तो पहली बार परमानेंट किया जाए, या परमानेंट नहीं किया तो उनको समान काम समान वेतन दिया जाए, और उनका ESI और मेडिक्लेम कुछ ना कुछ चालू करे, उनको न्याय दिया जाए। हम लोग ये हमारा पहला धोरण है कि ये पहले हम लोग काम हमारे सरकार से रिक्वेस्ट करके, हम लोग सरकार में बोल के आयुक्त साहब को बुला के मीटिंग करके हम वो जो जो भी वो समस्या है वो छुड़ाने का काम करने वाले। इतना विश्वास है कि सरकार निश्चित तौर पे आगे पहल करेगी, 100% ये महाविकास आघाड़ी सरकार है, ये लोगों को न्याय देगी, और उसमें से हमारे प्रदेश अध्यक्ष इतने एक्टिव और स्ट्रांग है, उनकी विचारधारा बहुत अच्छी है, तो इसके लिए लोगों को कांग्रेस की तरफ से न्याय तो 100% मिलेगा। सर, आपने समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि इंटक के नवीन भाई जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के स्थानीय नेता रविंद्र सावंत साहब जिस तरह से अपनी बात रख रहे थे, हमने तमाम इनसे सवाल पूछे, और कामगारों के हित के बारे में, नवीन भाई कांग्रेस के बारे में, और नेरुल जो ब्लॉक है वहाँ के प्रभाग के विकास के बारे में। जिस तरह से आपने विश्वास जताया है कि जो राज्य सरकार है महाविकास आघाड़ी की, खासकर कांग्रेस की जो भूमिका है, कांग्रेस नेता और मंत्रियों की भूमिका है, वो निश्चित तौर पर नवीन भाई के विकास को लेकर है, नवीन भाई के कामगारों के उत्थान और कल्याण को लेकर है, और ये विश्वास कायम रहेगा, और जनता
कांग्रेस के साथ रहेगी। इस विश्वास के साथ आज की बातचीत में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा टीवी पर इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी पर इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।